सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। विश्वास करो, अपने हाथों को उठाओ। और इसी समय देख रहे हैं आप कि जो लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर आशीष दे रहे हैं। किसी को बिजनेस मिला, किसी को बाइक की ब्लेसिंग मिली, किसी को घर की, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम था। आपको पता है पंप लगाना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम। और इसी समय राजविंदर लुधियाना से आई है। हाँ, माइक करता रहना फटाफट। और इसी समय कब से थी कब से प्रॉब्लम थी ये? 20 साल से थी मेरे को। कैसे ठीक हुए, कैसे ठीक हुए? बैठे रहो, बैठे रहो। इधर से तेल और पानी लेकर गए, तेल पानी लेकर गए, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। ऊपर उठा लो बस, ऐसे ही शाबाश। और इसी से मैं देख रहा हूँ कि बॉस, सुनो करती नेक्स्ट 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 14 लाख रुपए कर्जे थे और उस बहन ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, वो कर्जा उतर गया यीशु मसीह के नाम में। आप देख रहे हैं कुछ लोग कहते हैं 14 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कैसा भी कर्जा हो परमेश्वर आज उतार देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज आप उस जगह पर आए हैं जहां पर अभिषेक ठहरा हुआ है, आप लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, गीता लुधियाने से पति को ब्लड करना, वेल्डिंग का शॉप नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट, और इस में अभी मिल गया। पिछले संडे को आपने हमारे लिए प्रपोजी की थी। कितने लोग सुन रहे थे पिछले संडे? मैंने इसके पति के लिए भविष्यवाणी किया था। आपने 4 बजे प्रपोजी की थी, 6 बजे मेरा सामान रख गया। हालेलुया! देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल का। हालेलुया! सो 4 बजे भविष्यवाणी हुआ और 6 बजे दुकान मिल गई। क्या आप इतनी स्पीड से किसी को देखते हैं चमत्कार करते हुए? आज आपकी गवाही स्पीड पकड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके हाथ स्पीड पकड़ेंगे हालेलुया बोलने के लिए, आमीन बोलने के लिए, आवाज स्पीड पकड़ेगी कि नहीं? मैं कह रहा हूं आज आशीष स्पीड से आएंगी चर्च। सारे बोले हालेलुया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो आपके सामने ऑयल वाटर यूज किया इस बहन ने भी। कहां से आए आप? लुधियाना से। 12 साल से किस चीज, शुगर की प्रॉब्लम थी आपको? पैंक्रिया अटैक हो गया था। पैंक्रिया अटैक भी हो गया था, वहां पर लिखा लास्ट स्टेज शुगर। हाँ जी, शुगर भी था। हाँ जी। और कह रहे के अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। हाँ जी। उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी, रिपोर्टें नॉर्मल है। हाँ जी, मैंने ना आपको देखा उस पे ना, तो फिर मैंने कहा उस पे किस पे? पेड़ पे, यूट्यूब पे, यूट्यूब पे। माइकर माइकर। पैंक्रिया इनका निकाला हुआ है। हाँ, वो नहीं है पार्ट। वे 12 साल से इंसुलिन ही ले रहे थे। हाँ। तो 2 टाइम लेते थे, कभी कभी शुगर कम हो जाती थी तो गिर भी जाते थे। हाँ। लेकिन एक बार आप भविष्यवाणी कर रहे थे कि शुगर वालों की शुगर जा रही है। हाँ। तो इन्होंने रिसीव करा, तो मैंने, मेरे पास फोन है, मैंने फोन पे ना आपकी फोटो लगा रखी है, मैंने इनके फोन पे भी लगा दी। मैंने कहा मम्मा ये सुना करो जरूर, तो ये सुनते थे। आपने बोला कि 3 दिन का फास्ट रखो शुगर जाएगी। इन्होंने फास्ट रखा 3 दिन का, 3 महीने से कोई इंसुलिन नहीं ले रहे थे, कुछ नहीं ले रहे थे। लेकिन जब हम टेस्ट करते थे तो शुगर आती थी 400-500 ऐसे आती थी, वैसे नॉर्मल थे। तो हम यहाँ आते थे तो आप बोलते थे कि नहीं, जब तक वो नॉर्मल नहीं आएगा तो अब तक हम नहीं लेंगे इनकी वो कस्टमरी। तो फिर इसके बाद जब अगले पिछले संडे इनकी नॉर्मल आ गई रिपोर्टें सारी। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। देखो 400-500 शुगर, कितनी? 400-500। और ये बहन बता रही है कि नॉर्मल होनी स्टार्ट होगी। कोई आपको डॉक्टर बोलते हैं कि फास्टिंग करो, फास्टिंग में तो और शुगर बढ़ जाती है बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं बोल हालेलुया, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो और कुछ भी कर सकता है, और तेरे वास्ते आज कुछ भी करेगा। सुन रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कुछ भी करेगा। आप अपने हाथों को उठाओ, मैं कह रहा हूँ कि इसी समय परमेश्वर आपको छुए। और कहूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझसे जो भी कोई जाने अनजाने में कोई गलती, कोई गुनाह हुआ, कोई अपमान हुआ, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे खड़ा कर। मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं मिस्ट्री खोलना चाहता हूँ, या मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, जो भी मांगना चाहते हैं बोलो आज। परमेश्वर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ,
मैं आशीषित होना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। जो आप बनना चाहते हैं वो बने आज से यीशु के नाम में। सब लोग बैठ जाएं, इसी समय मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर, इसी समय स्थान पर अपने खड़े हो जाएं। इस समय अमृतसर ब्रांच, बटाला ब्रांच, इसी समय प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर आपको छुए। और इसी समय दुबई ब्रांच, मॉरिशियस ब्रांच की गवाही लेंगे। दुबई ब्रांच, हाँ गवाही के साथ, हाँ दुबई ब्रांच गवाही के साथ। कैमरा ब्लैक आ रहा, तुम्हारा कैमरा ब्लैक आ रहा, उसको ठीक करो। हाँ चलते रहो, चलते रहो, कैमरे का कलर सही कर। पापा जी इस बहन के भाई को, इस बहन को लेवन प्रे करवाने और प्रोफेसर रिसीव करने के बाद मिली नए जॉब की ब्लेसिंग। भाई पापा जी इस भाई के बेटे को मिली और बैटरी यूज करने के बाद चिंगियाई। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं, कैमरा ऊपर कर, कैमरा ऊपर कर। और इसी समय हाँ शाबाश एल्बर्ट, ठीक करवाए इसे कैमरे को। ऊपर कर कैमरा, सबके हाथ दिखा मुझे, ऊपर कर कैमरा, शाबाश। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ दुबई ब्रांच में जो लोग खड़े हैं, समय हाथों को हिला रहे हैं, परमेश्वर इनके घर में आज से मिराइकल पर मिराइकल हो यीशु मसीह के नाम में। इनकी टेस्ट मनी स्पीड से बने परमेश्वर, ये आशीष में बने रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ नेक्स्ट 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 फटाफट। हाँ हाँ झारखंड भी हो गया, कोलकाता भी हो गया, महाराष्ट्र, अपने हाथों को उठाऊं। थाने मुंबई की गवाही दिखा मुझे, शाबाश। बोलो बेटे जोन सी भी खुली हुई है, खुद बोलो शाबाश। हाँ हाँ जल्दी जल्दी से, जिनके पास अनॉइंटिंग साल्ट है वो अपने हाथों में उठाऊं, शाबाश। इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए, जल्दी से अपने हाथों को उठाऊं, अपने हाथों में उठाऊं अनॉइंटिंग साल्ट। हाँ हाँ गवाही लेंगे, शाबाश गवाही के साथ। प्रभु जो ये साल्ट इन्होंने उठाया है अपने हाथों में, मेरे पिता परमेश्वर, मैं इन सब के लिए आज प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी आज सच में ये साल्ट मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि नमक का कोई दुश्मन नहीं होता। और मेरे प्रभु जब अलीशा ने नमक में, पानी में नमक डालकर लोगों को पिलाया, इज़राइल के अंदर जिनके गर्भ पर शैतान बैठा था, बांझपन था, उस दिन से वो बांझपन औरतें बच्चा जन्मने लगी यीशु के नाम में। मेरे प्रभु मैं आज इस सॉल्ट को, और परमेश्वर ये सॉल्ट ने याद कराए कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुमने यीशु मसीह का नमक खाया। और परमेश्वर सच में पवित्र आत्मा जी आज ये सच में आशीषों को लेकर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा जी ये फैसला ने कि परमेश्वर मैं तेरे लिए जीऊंगा, और जो गोस्पल का काम करें परमेश्वर उसे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ये सॉल्ट आप यूज करें अपने बच्चों के साथ, पानी में मिलाकर थोड़ा थोड़ा, आप देखो गुड न्यूज मिलेगा यीशु के नाम में। हाँ 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 दिल्ली ब्रांच, अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। और इसी समय बैठे रहो, मैं प्रेयर कर रहा हूँ सबके लिए दिल्ली ब्रांच के ऊपर, परमेश्वर तेरा अनुग्रह उतरने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरी दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई भरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ दिल्ली गवाही के साथ, गवाही के साथ। हालेलुया। पापा ये भाई बचपन से नशा करते थे, हर तरह का नशा करते थे, आपकी प्रोफेसी को रिसीव किया और एनहांसिंग हैंकी लगाने से आज ये नशा मुक्त हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो इन गवाहियों के लिए, शाबाश। हालेलुया। पापा ये सिस्टर बता रही हैं इनका दामाद 15 साल से हर नशा करता था, आपने प्रोफेसी की उनके नाम से, जब पापा ने प्रोफेसी को रिसीव किया इनका दामाद नशा मुक्त हो चुका है। अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश दिल्ली ब्रांच, अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। विश्वास करो परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और बरकत दे रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो आज के दिन भी मेरे पिता परमेश्वर ये लोग आज पवित्र आत्मा तेरे भवन में आए हैं, मैं घोषणा करता हूं अगर किसी के ऊपर परमेश्वर पिछले साल इन्हीं दिनों से कोई जादू टोना था, मैं इसी समय उस जादू टोने को आज स्टॉप करता हूं इनके ऊपर से यीशु के नाम में। बंद पड़े कामों को खुलवाएं आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बहुत सारे लोगों के लिए मैंने बोला था वीरवार को कि कई दिनों में, इन दिनों में जादू टोने होते हैं लोगों के ऊपर,
और आपको पता लगे पड़ोस में किसी का डेथ हो गया, किसी का प्रॉब्लम हो गया, ऐसा महसूस होगा आपको, पता लगेगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक होते हैं। इन्हीं दिनों में आप ज्यादा उपवास प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको लंबी उम्र की आशीष देगा, आमीन, आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। लेकिन जो लोग चर्च आए हैं, मैं कह रहा हूँ उन्होंने प्रभु से प्यार किया, हर ब्रांच में अपनी आशीष को खुलवा रहे हैं आज यीशु के नाम में। अमृतसर ब्रांच, अमृतसर ब्रांच, हाँ हाँ अमृतसर ब्रांच, गवाही के साथ मैं से प्रार्थना कर रहा हूँ। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, हांगकांग से पिता परमेश्वर इसी समय अमृतसर ब्रांच खोल दे, बम्बई ब्रांच, थाना ब्रांच, गुजरात ब्रांच, अहमदाबाद ब्रांच, और इसी समय परमेश्वर धारीवाल ब्रांच, हर एक जन के लिए फाजिलका, फिरोजपुर, भटिंडा, कपूरथला, गुरदासपुर, बटाला, इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इन ब्रांचों पर आशीष आए। पठानकोट में भी, जम्मू में भी जो ब्रांचें हैं पवित्र आत्मा जी, समय में देख रही है मेरे पिता जो राजपुरा में, पटियाला में, पवित्र आत्मा हरियाणा, अम्बाड़ा, नारायणगढ़, कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक, इस समय परमेश्वर फतेहाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, गुड़गांव में, हिसार में, राजस्थान में परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा जगह जगह से जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा, हैदराबाद से पिता, गुजरात से, इस समय आसाम से, नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या त्रिपुरा से, और इसी समय परमेश्वर कर्नाटका से पवित्र आत्मा जो हमारी ब्रांचें जुड़ी हुई हैं परमेश्वर, इस समय केरला से पवित्र आत्मा, गोवा से पवित्र आत्मा, मैं इन सबको ब्लेस करता हूँ जो समय कैनेडा में, मलेशिया में, मॉरिशियस में पवित्र आत्मा, नेपाल में पवित्र आत्मा, सिंगापुर, मलेशिया में, थाईलैंड में पवित्र आत्मा, जो कोरिया में, जापान में भी परमेश्वर जो हमारी ब्रांच हमें देख रही है इसी समय, मैं उन सबको ब्लेस करता हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये सच में आज से तरक्की कर पाए, इनके हाथ के काम खुलने पाए परमेश्वर, हर एक जुआ इनके ऊपर से तोड़ दिया जाए, हर एक आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। सारी ब्रांचें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नोट है, मैं गिन नहीं सकता हूँ उनको, बहुत सारी ब्रांचें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इसी समय अमृतसर ब्रांच, हाँ हाँ शाबाश अमृतसर ब्रांच, जल्दी से शाबाश। इस समय सारी ब्रांचों के एड्रेस स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको एक एक एड्रेस मिल रहा है, आप देख सकते हैं जो एड्रेस पर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उनसे वहाँ पर आप जाएंगे, उस तंबू में अभिषेक है, उस भवन में अभिषेक है, जब आप पैर रखेंगे अभिषेक उतरेगा आपके ऊपर यीशु के नाम में। आमेन। हाँ जी, अमृतसर ब्रांच, अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए। मैं इसी समय यहाँ पर देखता हूँ तुम्हारी ब्रांच में, यहाँ पर कौन है जिसको HIV का प्रॉब्लम है, वो सामने आ जाओ। लेडीज है, जेंट्स है, मैं किसी लेडीज को देख रहा हूँ, लड़की को देख रहा हूँ, कोई भी जिसको HIV का प्रॉब्लम है स्क्रीन के सामने आ जाओ, और बाकी सब नीचे बैठ जाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। HIV का प्रॉब्लम है, मैं फिर कह रहा हूँ अमृतसर ब्रांच, आज आपके ऊपर से बंधन टूट रहे हैं, आज आप आजाद हो रहे हैं, क्योंकि आप प्रभु के घर आए हैं आज यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिचुअल बंदा वो है जो आज के दिन भी परमेश्वर के घर आया है, परमेश्वर उसको फल देगा, जो आज आप अपने पैरों से चल कर आए हैं, चाहे आप कह रहे हो कि मेरे को किसी ने बदनाम कर दिया, या मैं पापी हूँ, या मैं कैसा भी हूँ, लेकिन आज के दिन आशीर्वाद है, भविष्य तक आपके ऊपर हर एक जन के हो, आज के बाद गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर HIV है, किसी को सुनो, पिंकी कौन है, पिंकी, पिंकी, मैं से आत्मा में देख रहा हूँ पिंकी, सुनो, जो भी कोई है सामने आए फटाफट, अगर किसी को HIV है लाइन लगाओ, शाबाश। अमृतसर ब्रांच, मैं से देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम है किसी को, अगर किसी को है, शर्माओ नहीं बेटे, तुम्हारे लिए चंगाई का दिन है आज। हाँ पास्टर बोलो फटाफट, मीनू जल्दी से, मीनू जिसको HIV है सामने हो, हाँ शाबाश, माइक में बोलो शाबाश, है कोई तो सामने खड़ा करो, अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहूँ जला 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 जला, हाँ बेटे, हाँ माइक में बोलो, बोलो शाबाश, आवाज खोल इसकी, लाली आवाज नहीं आ रही, हाँ आवाज नहीं आ रही बेटे, मेरे को बता, पिंकी इसका नाम है, पिंकी है ये, गर्दन ला के बता, पिंकी कौन है, HIV की प्रॉब्लम किसको है, क्या बोल बोल, आवाज आ रही है, हाँ इसका नाम क्या है, हाँ, और HIV का प्रॉब्लम इसको है,
कब से बेटे आपको एचआईवी का प्रॉब्लम? कब से? कितने टाइम से? जितने भी टाइम से अपने हाथों को उठाओ, शमज मेरी तरफ देख, इधर दिखा कैमरे की तरफ, इसके मुंह कर स्क्रीन की तरफ नहीं कैमरे की तरफ, और इसी समय परमेश्वर मेरे हाथ के ऊपर से वो अभिषेक उतरे, और इसी समय मैं अगले संडे के बाद पवित्र आत्मा जी इसकी रिपोर्ट नॉर्मल देखना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रभु तुझसे बात कर रहा हूं और कह रहा हूं अगर मैं तेरा दास हूं तो इसी समय इसकी रिपोर्ट नॉर्मल आए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। इसी समय अपने हाथों को उठा लड़की, अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा, पवित्र आत्मा तू छू ले आज, इसी समय एचआईवी के शराब निकल जाओ, निकल जाओ गंदी आत्मा बाहर। फायर 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 फायर, इसके खून में से बाहर, इसकी हड्डियों में से बाहर, इसी समय बाहर एचआईवी के शराब टूट जाए। आमेन। खोले चिल्लाए और निकल जा इसके अंदर से, मुंह खोलो चिल्ला और निकल जा। आदेश देता हूं मैं तुझे, आज के बाद तू इसके अंदर नहीं रहेगा, इसी समय फ्री यीशु मसीह के नाम में। देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल, कमे करे दा महा, देखो यीशु दा जलाल, देखो यीशु दा जलाल। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कितनी दूर से ये बहन, कितनी दूर से प्रोफेसी को रिसीव कर रही है, कितनी दूर से? अमृतसर यहाँ से कितना दूर है कोई बताएगा? कितनी दूर है? 200 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो अभी क्या हुआ है 100 किलोमीटर में? आपने पता है आपको अभी क्या हुआ? अभी 100 किलोमीटर में एक एंजल गया वहां पर मेरे बोलते ही, और आप थोड़े दिन में इसकी गवाही को सुनेंगे। एचआईवी जाती नहीं है भाई साहब, बहुत सारे लोग हाथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इसकी गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। अपनी कलीसिया च चल दो फिर मौजे हो अपने हाथों में बीज पकड़े। शाबाश। जितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मैं कह रहा हूँ आपका बीज बैठे बैठे बीज पकड़े, आपके बीच में बच्चे आएंगे कोई उठेगा नहीं, और इसमें जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं स्क्रीन, अरे सारे बोले हालेलुया। कोई बात नहीं, बात चुपा दियो, अपने हाथों को उठाऊं। समाज किसी की ड्यूटी नहीं है बीज इकट्ठा करने की, बाहर है तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। अपने हाथों में उठाऊं बीज, समाज बोलो प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय आज बोलो परमेश्वर, मैं आज जो बीज लेकर आया हूं, आज मैं अपनी बढ़ोतरी के लिए लेकर आया हूं। जो बीज आप लेकर आए हैं बच्चों के लिए, आज मांगना स्टार्ट करो, बोल बताऊं परमेश्वर को, परमेश्वर ये भेंट पवित्र आत्मा मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब के रास्ते खोले, क्योंकि वचन में लिखा कि तुम भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। क्या आपके लिए नहीं खोलने वाली? विश्वास करो आपके लिए डबल खोलने वाली आज। आमीन। आप बोलो आज परमेश्वर ये भेंट मेरे लिए मार्ग खोले आज। आमीन। मेरी बरकत को खोले आज, मेरी आशीषों को खोले आज। आमेन। पवित्र आत्मा जो लोग आज अपने हाथों में पेट उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता जो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने आशीषों के लिए, अपने बच्चों के कनाडा वीजा के लिए, अपनी बीमारी के लिए, पिता जो बो रहे हैं आज अपनी चंगाई के लिए, पवित्र आत्मा जी ये फेट इनके लिए मार खोल दे आज। जाओ एंजल खोल दो आज, तेरा वचन पूरा होने पाए, तेरी आशीषें खुलने पाए, यीशु के सामर्थी नाम में ये आशीषें डबल हो कराने पाए। जो लेफ्ट में राइट में बीज बो रहे हैं, जो समय यूपी से बिहार से, मैं कह रहा हूँ बैंक में, आईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में, स्कैन कोड में जो बो रहे हैं, जो गूगल पर बो रहे हैं, पवित्र आत्मा ने छू ले आज। जो समय यूपी से, बिहार से, पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से, राजस्थान से, क्या पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, मेरे पिता परमेश्वर जो आज के दिन पवित्र आत्मा फौरन से जो ब्रांचों में बीज बो रहे हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा इनके घरों में आशीष आने पाए। पवित्र आत्मा जी महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, आसाम से, त्रिपुरा से, नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, फिजी से जो बो रहे हैं परमेश्वर आशीष देने यीशु मसीह के नाम में।
प्रभु ये आशीष मैं इनके ऊपर देखना चाहता हूँ इस हफ्ते के अंदर। आमीन। ये क्रिसमस आ रहा है परमेश्वर, आज सुन रहे हो, ये महीना क्रिसमस का है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आपके हाथों को देखे, वो अपने हाथों को उठाओ, अपनी हथेलियों को एक बार देख लो आप, जिसमें बीज नहीं पकड़ा आपने उसको देख लो, आज देख लो ये कैसी है। आज के बाद आपको दिखाना नहीं पड़ेगा किसी को, आज के बाद आपको दिखाना नहीं पड़ेगा किसी को। आमीन। आप बहुत लोगों को दिखाते हैं, देखना मेरे भविष्य में कुछ है, या फिर अगर ऐसा जन कोई बैठा है कि अपने हाथों को कोसता रहता है, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि क्रिसमस से पहले परमेश्वर आपको इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा। आमीन। कितनों को ये वचन याद है कि जब लोग इजरायली लोग विश्राम दिन में जाते थे, तो वो शनिवार के दिन करे काम करते थे, तो परमेश्वर उनको डबल काम देता था। यस, आमीन। ताकि वो संडे को काम न करें, समझ में आई बात? तो हम 15 तारीख को शोभा यात्रा निकालेंगे यहाँ पर। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और पूरे वर्ल्ड से लोग आएंगे, और मैं कह रहा हूँ जो शोभा यात्रा में चलता है उसकी किस्मत खुलती है यीशु मसीह में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। यहाँ पर डायमंड पार्टनर की मीटिंग होगी इसी स्थान पर, सिल्वर गोल्डन, आप कार्ड बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 29 तारीख की नवंबर चंडीगढ़ में है, बाकियों की यहाँ पर होगी, हम डेट आपको फिक्स करके बताएंगे। आपको फ़ोन आएंगे, फेसबुक पर आप, यूट्यूब पर आप देखोगे पोस्ट, आपको आशीष मिलेगी। जो लोग बीज बोना चाहते हैं उन कामों के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे पास तो है ही नहीं, इसलिए मुझे पवित्र आत्मा ने कहा इनके उनको बोलो अपनी हाथ देख लो, अपने जेब देख लो, इस महीने में अपना बैंक देख लो, अभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा अभी, इस महीने में देख लो, क्योंकि जो आएगा वो सब मेरा होगा। मेरे प्रभु का होगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो इससे ज्यादा तो आना ही नहीं है, 10 तारीख आ गई है, तनख्वाह तुम्हें मिल गई है, इससे ज्यादा तो आना नहीं है, तुमने खर्च भी कर दिया, उड़ा भी दिया, जिसके देने दे भी दिए, लेकिन अब मिराकल मनी होगा। आमीन। सुन रहे हो कि नहीं? किसका ये? परमेश्वर का कह के घर ही रख लेते हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपके हाथों को आज आशीष देता हूँ, हाथों को उठाऊ, जितने भविष्यता समझते हैं हाथ स्क्रीन के सामने कर लो शाबाश, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो प्रांचों में बैठे हैं इसी समय हाथ कर लो ऑनलाइन, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में एक एक की तरफ मुंह करके, क्योंकि तूने कहा कि एक एक की तरफ मुंह करके उन्हें आशीर्वाद देना यीशु मसीह के नाम में, तो इसराइलियों की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देना। जो ब्रांचों के लोग बैठे हैं, जो जुड़े हुए, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं स्क्रीन की तरफ, और इसी समय मैं इनके राइट हैंड पर, मैं इनके लेफ्ट हैंड पर, दोनों हाथों पर उस धन कमाने वाली सामर्थ को खोलता हूं, इनके ऊपर ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में, इनके माइंड को खोलता हूं यीशु के नाम में। अब यही हाथ अपने सिर पे रख लो, सिर पे नहीं रखना, बाल पे रखना, बाल झड़ जाएंगे, माथे पर रखना, ऐसे माथे पर, आपका माइंड तेज होगा, आपको क्या बिजनेस करना है, कहां से पैसा कमाना है, कौन आपको मिलेगा। अब अलाबा शबाला बाबा लबा शबाला बा, जाओ एंजल, ये तेरे क्रिसमस के लिए, ये तेरे इकलौते पुत्र के लिए परमेश्वर, उसके बेटे के जन्मदिन के लिए मना रहे हैं परमेश्वर, उसके लिए ये सच में कमाना चाहते हैं। मैं इसी समय पवित्र आत्मा रिलीज करता हूँ, सोनोइंटिंग को ब्लेस करता हूँ, इनके इनके अंदर बुद्धि का आत्मा है, आमीन, इनके हाथों पर धन लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर आज से ये भर जाए, नए नए रोजगार आए, नए नए ब्लेसिंग आए, उनकी कलीसिया में सेवकाई में भी धन आए, हर चीज पर ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु को ये ना कहने पाए प्रॉफिट बजिंदर तेरा प्रभु कहाँ रहा, इस क्रिश्चियन को ये ना कोई कहने पाए, क्योंकि परमेश्वर मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा तो उनके हाथों को आज से पूरे सच में 21 दिन के लिए आशीष के लिए भर रहे यीशु मसीह के नाम, और आप भरते चले जाएंगे 21 दिन के बाद, भरते चले जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। जो लोगों ने बोए, जो लोग बोने के लिए तैयार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आज हाथों को उठाऊं और कहूँ परमेश्वर मैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बोऊंगा और 100 गुना ही काटूंगा, और इसी साल में काटूंगा, इस आग की तरह काटूंगा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो कर्जे में है वो इसी समय सुबह आनंद देखने पाए,
परमेश्वर वो कर्जे की रात इनकी जिंदगियों से खत्म हो जाए, आमीन। जो डिप्रेशन में आज आजाद हो जाए, आमीन। उनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ जिनके नाम GNRS PML से, K से, R से, B से, आप इस हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी मिरेकल मनी को देखोगे। मैं देख रहा हूँ राजेश, विक्की तेरा नाम लेकर खास कर बोल रहा हूँ, होली स्पिरिट मुझे ऑनलाइन में बोल रहा है और यहाँ पर भी हो चाहे मुझे कोई देख रहा हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग खुलने वाली है। आमीन। वो ब्लेसिंग क्या होगी? तू एक दुकान, एक मकान, एक घर और कह रहा है कि एक शॉप और एक गाड़ी, कह रहा तू 3 महीने के अंदर मिरेकल ही मिरेकल देखेगा। आमीन। ये आप लोगों के लिए जितना रिसीव कर लिया आज, आमीन। ये भविष्यता है, अगर आप विश्वास करते हैं, आदर करते हैं तो फल आपके ऊपर लग गया। आमीन। जो नहीं करता वापिस आ गया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिसने रिसीव करने करो अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। देखो यीशु दा जलाल, 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 जलाल जलाल। सारे अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो आज परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज तेरे पर धन की आशीष आ गई है। आज परमेश्वर को फ्लाइंग किस कर दो पर, आई लव यू डैडी बोलो, क्योंकि भाई साहब जब धन आता है तो आई लव यू बोलना चाहिए जीसस को, बोलो हालेलुया। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सुंदर होते जा रहे हैं आज, बहुत सारे लोगों के मैं देख रहा हूँ कि ऊपर स्टार आ रहे हैं, स्टार, आमीन। क्योंकि यूसुफ के ऊपर तारे ही तारे मंडरा रहे थे, 11 तारे उसको दंडवत कर रहे थे, जिस दिन उसको तारे दिखाई दिए, वो नहीं कह रहा हूँ कुछ लोगों को चक्कर आ रहे होते हैं दिन में तारे दिख रहे होते हैं, वो नहीं कहीं लोग रोटी नहीं खा के उपवास में उनको तारे दिख रहे हैं कहेंगे ओहो हो आज तो ऊपर वाला कुछ कर रहा है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ मुझे बहुत सारे लोगों के ऊपर स्टार दिख रहे हैं, आमीन। उनके नाम मैं देख रहा हूँ, वाई एफ जी डी एन आर एस पी के एम एफ बी जी एच, ऐसे नाम वाले लोग स्टार देख रहा हूँ मैं उनके ऊपर। जब वो स्टार उनके ऊपर आया तो उस दिन से वो फेमस हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना तैयार की कि मैं इसको फेमस करूंगा। आप याद रखना, कोई आपको नीचे गिराना चाहे या आपसे मुकाबला कर रहा हो, नहीं, अगर आप स्पिरिचुअल सन है परमेश्वर के, स्पिरिचुअल बंदे हैं, तो याद रखना ये शोभा याद रहना छोड़ना। यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप वो बनेंगे 2024 में जो कोई नहीं बना, आमीन। विश्वास करना, बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखना अब हर संडे यही तैयारी करनी है हमें, और उस दिन सब नए कपड़े पहन कर आएंगे, जो पुराने कपड़े पहन कर आएगा वो गेट आउट। सारे बोलो हालेलुया। हम किसी के ब्याह शादी में पुराने कपड़े पहन के जाते हैं? नहीं जाते हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम। मैं देख रहा हूँ ब्रांचें, जर्मनी ब्रांच, हांगकांग ब्रांच, ऐसे इस समय जो भी कोई है तो खोलो इनको, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी ब्रांचें दिखाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय आसाम ब्रांच के लिए, त्रिपुरा ब्रांच के लिए, पवित्र आत्मा जी इसी समय तू छू ले और इसी समय आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जर्मनी ब्रांच और इसी समय खोलो शाबाश, जर्मनी ब्रांच, हांगकांग ब्रांच, और फटाफट जल्दी से हम वचन की सेवकाई में जाएंगे, जल्दी से तैयार हो जाएं वचन की सेवकाई में जाने के लिए, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। और मैं वचन आज फटाफट लिखवा रहा हूँ आपको, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, पहले आज मैं वचन लिखवाऊंगा आपको। हाँ हाँ लिखो, लूका 18:1, जल्दी से आज डायरी में लिखो, कुछ लोग वचन नोट नहीं करते। गलातियों 5:17, दानियल 6:13, उत्पत्ति 11:4, पहला शमूएल 17:36, फर्स्ट शमूएल 17 उसका 36, दानियल 6:13,
और जेनेसिस का चैप्टर उसका 11 का 4 आप सब निकाल लें, बाकी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बोले हालेलुया। मैं देख रहा हूं किसी को, कोई मुझे जर्मनी से देख रहा है, होली स्पिरिट बोल रहा है आपके लिए, जर्मनी में अगर कोई ब्रांच का बैठा है तो मुझे दिखा, नहीं तो कोई जर्मनी में अपने घर से भी देख रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी की वाइफ को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, और आप विश्वास करना वो प्रॉब्लम खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम में। तजिंदर आपकी पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, आपको गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ हांगकांग में कोई सरोज, कोई ऐसा कोई देख रहा है और उसी समय उसको कोई, हाँ क्या जर्मन तजिंदर, मैं इसी समय देख रहा हूं, अगर आपका नाम तजिंदर है तो ऐसे हाथ हिलाओ। हाँ, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और इसी समय गुड न्यूज दे रहा है आपके ऊपर, परमेश्वर दया कर रहा है, आपकी वाइफ के स्वास्थ्य को ब्लेस कर रहा है, बच्चों के स्टडी को ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आजाद कर रहा है और इसी समय परमेश्वर छू और ब्लेस कर इस आदमी को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हांगकांग मैं से देख रहा हूँ सरोज, ऐसे कोई बाला हो सकती है, कुछ और नाम हो सकता है, सरोज मैं से देख रहा हूँ। पैरालाइज का कोई अटैक है, कोई माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और इसी समय किसी को हांगकांग कोई सरोज, अपने हाथों को उठाऊ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। ये अपने घर से देख रहा है, पवित्र आत्मा छुए और इसी समय आशीषें खोल दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। नेक्स्ट अपने हाथों को उठाऊ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ हांगकांग के लिए, जर्मनी ब्रांच के लिए, पवित्र आत्मा साइप्रस के लिए, फ्रांस के लिए, इटली के लिए, ग्रीस के लिए, इस समय पवित्र आत्मा जी जो ब्रांचें बाहर फॉरन से भी देख रही हैं, लंडन यूके से भी, परमेश्वर साउथ हेल में भी जो ब्रांच खुलने के लिए जा रही है अगले संडे से, मेरे पिता परमेश्वर उन्हें गुड न्यूज दें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाऊं और फिर से कहूं कि पवित्र आत्मा तेरा कलाम मुझे सुंदर बनाए आज, जोर से बोलो तीन बार, तेरा कलाम मुझे सुंदर बनाए, तेरा कलाम मुझे सुंदर बनाए, जोर से बोलो, जोर से, तेरा कलाम मुझे सुंदर बनाए, तेरा वचन मुझे सुंदर बनाए, तेरा वचन मुझे सुंदर बनाए, मुझे आशीषित करे आज, मुझे आशीषित करे, मेरे बंधनों को तोड़े आज, बंधनों को तोड़े आज, मेरा जुआ तोड़े आज, मेरा जुआ तोड़े आज, मेरे घर को बनाए, मेरे घर को बनाए, मेरे फ्यूचर को बनाए, मेरे फ्यूचर को बनाए, मेरी आशीष को खोले, मेरी आशीष को खोले, मेरे रास्ते खोले, मेरे रास्ते खोले। मैं विश्वास करता हूँ आज, विश्वास करते हूँ कि आज का कलाम, कलाम मेरी आशीषें डबल करेगा, मेरी आशीषें डबल करेगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम। बोलो आमीन, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज का कलाम उनकी आशीषों को डबल करने के लिए जा रहा है? कितने विश्वास कर रहे हैं? जोर से क्लैपिंग करो आज, सारे बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा, फुल दिखा थोड़ा सा, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, लेकिन क्या आप काम करने देंगे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर को काम करने दे, अपने पड़ोसी को तीन बार बोलो काम करने दे परमेश्वर को, काम करने दे परमेश्वर को। क्यों नहीं काम करने दे रहा पता है? क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ठीक नहीं हो सकता। एक फ्रेम बना रखा हमने अपने दिमाग में, बना रखा है कि नहीं? तेरे सिर पर बाल कभी नहीं आने वाले, तेरे बाल झड़ना बंद नहीं होंगे, औरतों ने बना रखा है। तेरे शरीर से एलर्जी जाने वाली नहीं है, कैंसर जाने वाला नहीं है। तेरे गाल में फोड़ा हो गया है, नहीं ठीक होने वाला। तेरे गुप्त अंग में प्रॉब्लम है, तू ठीक नहीं होने वाला। बाबा सिर हो गई है, तू ठीक नहीं होने वाला। मैं आज आपके फ्रेम को चेंज करवा रहा हूं, आमीन। फ्रेम चेंज करना आज, बोला हालेलुया। अपने फ्रेम को चेंज करो आज, अपने सोच के फ्रेम को चेंज करो आज। तैयार है क्या? नहीं कह रहे, हो सकता है आज यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो निराश हो और वो बार बार कह रहा हूँ कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, उसका माइंड कह रहा हो। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अपने फ्रेम में आज डाल लो, मैं तुम्हारे फ्रेम में डाल रहा हूँ कि तू कुछ नहीं, तू बहुत कुछ कर सकता है। आमीन। जितने इसकी आवाज खोल दे जो आमीन बोल रहे हैं, वो बहुत कुछ करेंगे आज। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कौन लोग करेंगे। कह रहे जब ये तीन बातें मांगना स्टार्ट करें अपनी लाइफ के अंदर, कह रहे हैं कि वो लोग कुछ नहीं, कुछ तो आप करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं करते आप। आज का टॉपिक है कि तू कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकता है। अपने पड़ोसी को बोलो तू कुछ नहीं, बहुत कुछ कर सकता है। तू आटे की दुकान खोल सकता है, चूड़िया की दुकान खोल सकता है, तू हलवाई की दुकान खोल सकता है, तू भांडे की दुकान खोल सकता है, तू मनियारी की दुकान खोल सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। ओ तो मैनू पता है तू कुछ कर सकता है,
नहीं काम चलता, आटे की दुकान खोल लेंगे, चावल की दुकान खोल लेंगे, भिंडी खोल लेंगे, फलाना टमाटर बेच लेंगे, मिठाई खोल लेंगे, मिठाई लाल भी इतना है। हालेलुया हालेलुया, आपकी समझ में आ रहा है? लेकिन कह रहा है परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि आज वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं, आज तो परमेश्वर कुछ हटकर आपके लिए फैसला लेकर आया है। आमीन। आज परमेश्वर आपके लिए कुछ हटकर लेकर आया चर्च। आमीन। करा अगर आप ये तीन बातें मांगना स्टार्ट करें, देखो स्क्रीन पर आप लिख सकते हैं तीन चीजें मांगे आप, आपको प्रार्थना का जीवन मांगो परमेश्वर से, पहला प्रार्थना का जीवन मांगे, दूसरा विश्वास में, प्रार्थना में विश्वास में तरक्की मांगे। कह रहा कि विश्वास तो है लेकिन विश्वास में प्रमोशन कभी नहीं मांगी हमने। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं जो विश्वास में प्रमोशन मांगते हैं उनके लिए परमेश्वर खतरनाक विश्वास को लेकर आता है। एक विश्वास होता है, खतरनाक विश्वास होता है, एक विश्वास होता है पादरी को लेकिन एक खतरनाक विश्वास होता है प्रॉफिट को। समझ रहे हैं कि नहीं? अलीशा गया और उसने औरत को देखा, उसने उसको मेज कुर्सी दिया, उसके अंदर खतरनाक विश्वास था, वो बूढ़ी थी, और उसने जाकर उसको बोला, कह रहा जा तुझे वसंत ऋतु में बच्चा हो जाए। उसने कहा, हंस रही थी वो, कह रही डॉक्टर बोलता है कि बच्चा नहीं हो सकता, वैद्य बोलते हैं बच्चा नहीं हो सकता, ये तेरा कौन सा विश्वास है? उसने कहा विश्वास तो मैं भी करती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, लेकिन उसने कहा मेरा विश्वास जो है, कह रहा है कि वो हट कर है। हालेलुया हालेलुया। कह रहा मैंने अपने विश्वास की प्रमोशन करनी सीखी है। आज आपको अपने विश्वास की प्रमोशन करनी है। हालेलुया। अपने विश्वास को उठाना है आज। उठाओगे कि नहीं? हाँ कि ना? यस। कह रहा तीसरा प्रेयर में कहूं, हाथ उठाऊं और कहूं प्रेयर में कहूं कि प्रभु मैं सबसे प्रेम रखूंगा, प्रभु मैं सबसे प्रेम रखूंगा, मुझे प्रेम रखना सिखा, मुझे प्रेम रखना सिखा, और पाप से नफरत करना सिखा, पाप से नफरत करना सिखा। अगर आपके अंदर पाप से नफरत नहीं होगी तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कम करेगा। मैं कह रहा हूं कि जब आप पाप से नफरत करना शुरू करेंगे परमेश्वर तब अपना प्रेम आपके अंदर डालेगा, अपना प्रेम जाहिर करेगा, एक टेस्टिमनी ऐसी बनाएगा, आप सबको बताएंगे मेरा परमेश्वर मेरे से प्यार करता है। आमीन। बोलो हालेलुया हालेलुया। करा आपको अपने जीवन में करना है। मैं बता रहा हूं प्रार्थना क्या है, प्रार्थना को सुनना है। प्रार्थना एक सांस की तरह होनी चाहिए आपके लिए। कितने लोग सांस लेते हैं? जोर से लो सांस, लो चर्च में जोर से लो, हा जोर से लो, हा हा, हा। सांस लो, लंबी लंबी सांस लो। मेरे को डॉक्टर ने बोला सांस लो लंबी, मुझे लेने नहीं आती, मैं कैसे लेते हैं? कहता सांस लो, अब छोड़ दो छोड़ दो, सांस ले रहे हो। अगर किसी की सांस रुक जाए तो क्या होगा? उसका शरीर मुर्दा हो जाएगा। सुन रहे हो? फिर लो सांस, अब रोक लो, अंदर रोक के रखो, रोक के रखो, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। जितने मैंने स्पिरिचुअल सुना कईयों ने छोड़ दिए, सारे बोलो हालेलुया, छोड़ना नहीं अपनी सांस को भी, छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं अभी सांस को, और कई लोगों ने छोड़ दिया। हालेलुया। कई लोगों को पता, छोड़ दो। हालेलुया। कई लोगों को आज महसूस हो गया मैं इसके बिना जी नहीं सकता, हो गया कि नहीं? आपको कह रहा प्रार्थना ऑक्सीजन का काम करती है आपके शरीर में। प्रार्थना जो है, कह रहा अगर आज से आप प्रार्थना करना बंद करते हैं तो इसका मतलब आपका शरीर मुर्दा हो जाता है, आपके काम मुर्दा हो जाते हैं। तो बाइबल बताती है इस बात के लिए, कह रहा कि अगर आप प्रार्थना करते नहीं तो कोई माइका लाल आपकी किस्मत को चेंज नहीं कर सकता। तो परमेश्वर चाहता है आप चाहे बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आई एस अफसर हैं, पुलिस वाले हैं, चाहे बेरोजगार हैं, चाहे आप किसान हैं, कुछ भी हैं, आप कैसी भी हालत में हैं, आप पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं, जब तक आप मुंह से खुद नहीं प्रार्थना करेंगे, मुंह से खुद नहीं सांस लेंगे, तब तक परमेश्वर अपनी सांसों को आपके अंदर नहीं डालेगा। याद रखना, अपनी गवाहियों को आपके अंदर नहीं डालेगा, अपनी आशीषों को अपने आपके अंदर नहीं डालेगा। याद रखना, कह रहे हैं कि एक जब बच्चा मर गया, अलीशा उसके ऊपर लेटा और उसने प्रार्थना करते हुए उसके अंदर अपनी सांस को फूका, तब वो जिंदा हो गया। हालेलुया हालेलुया। पता है आपके अंदर वो सांस है जो दूसरों को उद्धार दिला सकते हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके अंदर वो पावर है, आप दूसरों को भी आशीषित करा सकते हो।
लेकिन पहले अपने घराने को आशीषित कराओ। जब आप अपनी फैमिली के साथ प्रार्थना करते हैं बैठकर, तो उसी समय परमेश्वर आपके अंदर एक मिराकल वाली सांस डालता है, एक चंगाई वाली सांस डालता है, आशीषों वाली सांस डालता है। वो ऑक्सीजन आज आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है। आमीन बोलने वालों के अंदर, हालेलुया बोलने वाले रिसीव कर रहे हैं, हालेलुया। आज से कह रहे किसी हैंड पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं मेरी बात पर। कह रहे कि आज आपके अंदर कह रहे कि परमेश्वर की ऑक्सीजन ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रार्थना के बिना जीवन जो है वो मुर्दा है। जितने लोग कह रहे प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा अटैक जो है वो आपके बिजनेस पर नहीं, आपके घर पर नहीं, आपके सेवकाई पर नहीं, कह रहा है वो सबसे ज्यादा अटैक आपके हाथों पर नहीं, आपके पैरों पर नहीं, आपकी दुकान पर नहीं, आपके बच्चों पर नहीं, सबसे ज्यादा अटैक वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपकी प्रेयर पर करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई आमीन ना कहे, वो आपकी लाइफ पर करता है, स्पिरिचुअल लाइफ पर, मतलब कि आपके करेक्टर पर, आपकी सबसे पहले आपकी प्रेयर पर, आपकी प्रेयर पर अटैक करेगा कि ताकि आप जो बनना चाहते हैं वो ना बन सकें। गलातियों की 5:17 में देखो क्या लिखा, हालेलुया, पढ़ो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। कह रहा है कि आगे क्या लिखा, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। स्क्रीन पर देखो, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ, जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन पाओ। इसलिए शैतान सबसे बड़ा अटैक प्रार्थना पर करता है, उसको मालूम है कि ये जो बनना चाहते हैं वो ना बन पाए, क्योंकि इनकी प्रार्थनाएं इनको आज रात कुछ बनाने वाली है। आमीन। इनकी प्रार्थनाएं इनको आगे लेकर आने वाली है। आमीन। इनके घुटने अगर परमेश्वर ने देख लिए, इनके ऊपर से अकाल हट जाएगा, बीमारियों के शराब हट जाएंगे, समस्या के शराब हट जाएंगे। आमीन। इसलिए वो आपके प्रार्थना के लेवल को कमजोर करने की कोशिश करता है। पतरस जब प्रार्थना में कमजोर हुआ, तब 3 बार वो पाप में गिरा। सुन रहे हो, कह रहा कि प्रार्थना अगर जो लोग नहीं करते, कह रहा शैतान कह रहा कि उनकी आशीषों को चोरी करता, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बन पाते। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रार्थना कराने की आदत है उनको, कि प्रार्थना करना, पाजी वॉलंटियर क्वायर, पाजी चिट्टे पजामे वाले, चिट्टे कुर्ते वाले, प्रार्थना करी चिट्टी चुन्नी वाली, प्रार्थना करी। शायद आप दूसरों से प्रार्थना कराने की आदत में भर गए हैं। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। अगर मैं कह रहा हूं आप 3 टाइम नहीं कर सकते, अगर आप 2 टाइम भी करते हैं, परमेश्वर रिजल्ट देगा इस हफ्ते में, यीशु मसीह के नाम में रिजल्ट आएगा। आमीन बोलने वालों के लिए, क्योंकि याद रखना, धनवान हारेगा, बलवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा। करे कि कैसा ही व्यक्ति है, बुद्धिमान है, वो हारेगा, लेकिन करे घुटनों पर आया एक मसीह कभी ना हारेगा। याद रखना यीशु मसीह के नाम में, वो आपको हारने नहीं देगा। अगर आपके घुटने मजबूत हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, याद रखना परमेश्वर आज रात करे कि आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक पास्टर था और वो उसी समय बड़ी देर से बिल्डिंग बना रहा था, चर्च बना रहा था, लेकिन बन नहीं रही थी। और लोग उसको बोलते थे हेलो, बाहर फॉरन में, यूएसए में उसको बोलते थे हेलो पास्टर, हमने चंदा इकट्ठा कर लिया, आ जाओ हमारे घर ले जाओ। वो बेचारा शाम को जाता चंदा लेने के लिए, वो फिर उधर जाता चंदा लेने के लिए, फिर जाता चंदा लेने के लिए। लोग उसको अपने घर बुलाते और उसकी जूतियां घिस गई चर्च बनाते बनाते, मतलब बूढ़ा हो गया वो। और एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था, तो उसने देखा क्या, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। और उसने उसी समय डॉक्टर ने कहा जाओ इसको घुमा कर लाओ, हवा लगा कर लाओ, और वो कहीं दूसरे देश में ले गया। जैसे ही वो दूसरे देश में गया, तो उसने वहां पर देखा करा कि एक पास्टर ने करा 10,000 बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोले हुए हैं। कितने सारे अनाथ आश्रम, 10,000, सिर्फ 10,000 बच्चों के लिए अनाथ आश्रम। उसने कहा पास्टर करा कि ये कैसे कर लिया आपने, मेरी तो जूतियां घिस गई चर्च बनाते बनाते। उसने कहा ना बल से, ना ताकत से, ना शोहरत से, ना नाम से, करें धनवान भी हारेगा, करें कि ये सब कुछ करें मेरी करें। उसने अपनी पैंट उठाई और उसने अपनी पैंट का निशान दिखाया, कहता कि ये पैंट जब हम धोते हैं ना, कहता यहाँ से नहीं, कहता यहाँ से घिसी हुई लगती है, कहता ये मेरे घुटनों से हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, मेरे घुटनों की प्रार्थना से हुआ है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं चर्च जब खोलूंगा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे।
मैं सेवा जब स्टार्ट करूंगा मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं बिजनेस जब करूंगा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं विदेश जब जाऊंगा जब थोड़े से अकाउंट में पैसे होंगे तब अमेरिका का लगाने जाऊंगा। भाई साहब जिस दिन मैं इंग्लैंड का वीजा लगाने गया था मेरा एजेंट बोल रहा था, कह रहा तेरे अकाउंट में कहते शर्म आती है, कहते 500 रुपये तो डाल लेते। क्या मैंने कहा कितने हैं? कहता 500 ही हैं। कहता ये मैंने नहीं देखा वीजा लगेगा। मैंने कहा लगा था सही तू? कहता कहता यार मेरा एक्सपीरियंस है, तू तो मेरा पड़ोसी है। और मैंने कहा लगा तू यार। कहता नहीं नहीं मैं नहीं आना, तेरा कहना सारा कैरियर खराब हो जाएगा। और मैं कहा तू ला ले जान, ला ले दी जान, ला ले तू आज। कहता क्यों? मैं कहा तू नहीं जानता परमेश्वर की ताकत को। मैंने कहा अब मैं वो नहीं रहा पहले वाला, अब मैं प्रार्थना योद्धा हो गया, मेरे घुटने टिकते हैं परमेश्वर के सामने। और जिस दिन मेरा वीजा आया, मैं क्यों कह रहा हूँ एक बार नहीं आया 7 बार आया, हालेलुया। और उसी समय वो देखकर हैरान हो गया, कहता कहता यार अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, आपने तो किसी कंट्री में विजिट ही नहीं किया, सीधा ही ठोक दिया यूके। सीधा ही मैं क्या ऐसे ही ठोक देंगे किस दिन अमरीका को भी, हालेलुया। आप विश्वास करना है, अरे हाँ के ना, आपकी तरफ नहीं देखना, हाथ की तरफ नहीं देखना, पूंछ की तरफ नहीं देखना, छोटे की गाय की, मैं कह रहा हूँ ताके की तरफ नहीं देखना, तबीज की तरफ नहीं देखना, हाथ की तरफ नहीं देखना, हथेलियों की तरफ नहीं देखना। परमेश्वर बोल रहा है मैंने तुम्हारे हाथ की हथेलियों को खोद रखा है पहले से ही, हालेलुया। चित्र बना रखा है इसमें, मैंने पहले ही देख रखा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हारे नाम लिखे हुए। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर तुम्हारे घुटने टिके आज रात, कह रहा सबसे बड़ा फ्यूचर तेरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात सबसे बड़ा फ्यूचर तेरा होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आमीन बोलने वाले खुलवाना चाहते हैं कि नहीं? यस आमीन। जितने निराश हैं याद रखना, कह रहा कि धनवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, बलवान हारेगा, ज्ञानवान भी हारेगा, बड़ा पैसे वाला भी हारेगा, लेकिन घुटने वाला हारेगा नहीं। एक मसीह कह रहा है कि आज जीत कर आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? यस। जीतने के लिए तैयार हैं? कह रहा मैंने क्या बताया कि कह रहा ज्यादातर शैतान आपकी प्रार्थना पर अटैक करता है। कुछ लोग बोलते नौ नौ मैं बड़ा स्पिरिचुअल हो गया, पता है मैनू गुस्सा नहीं आता अजकल, मैनू झूठ नहीं बोलना होता, हूँ मैनू मैं पाप नहीं करता, हूँ शराब भी नहीं पींदा, मैं हूँ गाली भी नहीं दिंदा, देख लो सुट्टा भी नहीं लाता। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं करता, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन आपकी प्रार्थना का लेवल आज जितना कम होगा उतनी आपके बैंक में धन कम होगा। याद रखना जितना प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा उतनी आपकी तरक्की होगी। आमीन। आपको नहीं बताना पड़ेगा हेलो हेलो आंटी, हेलो हेलो काले सूट वाली आंटी, हेलो काली चुन्नी वाली जैकेट वाली, मुझे देख रहा हूँ चश्मा लेके बैठी है दोपहर से लेकर आगे, हेलो आप से बात कर रहा हूँ, किसी को बता देना बता देना, हेलो मेरा मेरी दुकान इधर है आंटी, हेलो हेलो आंटी बोल रही सबको, ब्यूटी पार्लर है मेरा इधर लुधियाना में मच्छीवाड़ा गली में, एक नंबर गली में आ जाना। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर घुटने टेकते हो। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे कस्टमरों की लाइन लगी होगी। हेलो मेरा नाम पास्टर है, हेलो आई एम प्रोफेट, मेरे चर्च में आ जाना, आजकल खुदा मेरे द्वारा बहुत काम कर रहा है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो आमीन। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रार्थना करके इवांजेलिस्ट चलते हैं, ऐ लिंक देख लो खुदा कम करता, तेरे उत्ते कम करता कि नहीं करता। प्रार्थना करके घुटने टेक के इवांजेलिस्ट निकल, लोग तेरा कंप्लेंट पकड़ेंगे दूर से यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि कह रहे हैं कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना कॉल आएंगी कॉल आएंगी कॉल आएंगी। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके बच्चों को कॉल आएंगी विदेशों से, बड़ी बड़ी कंपनियों की कॉल आएंगी। ये भविष्यवाणी है ओनली फॉर 21 डेज में, बैंक मैनेजर की कॉल आएगी, लोन लेकर जाओ। बैंक मैनेजर कहेगा लोन लेकर जाओ। आज से 7 साल पहले मैं बैंक में गया, मैंने कहा लोन चाहिए चर्च बनाना है, उसने मेरी बेइज्जती करके मुझे भगा दिया। उसने कहा चलो ऐसे लोन मिल जाता है, कोई अगर कागज के आपके पास प्रूफ है कोई, मैंने कुछ नहीं है, कहता फिर लोन नहीं मिलेगा। जिरकपुर बैंक भगा दिया उसने, भगाया ही होगा, उसने कहा नहीं नहीं हम ऐसे नहीं दे सकते। और आज बैंक वाले मुझे फोन करके बोलते हैं हेलो मेरे बड़े बड़े मैनेजर पूरे मैनेजर जितने भी चंडीगढ़ के मैनेजर हैं सब आते हैं चर्च में और आकर कहते हैं प्रॉफिट जी प्लीज
हमारा पैसा दूसरी जगह मत डालना, दूसरे बैंक में मत डालना, हमारे बैंक में से ही रखना। आपको कितना लोन चाहिए बता दो, लोन कितना चाहिए बता दो आज, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? एक टाइम होता है झुकने का, एक टाइम होता है झुकाने का। अभी आपका झुकने का टाइम है तो कल दुनिया झुकेगी, याद रखना। आमीन। आपके मस्तक ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। आपने अगर सुबह और शाम झुकने का टाइम सीख लिया कि परमेश्वर कि मैं झुकूंगा तेरे सामने, प्रार्थना करूंगा, घुटने टेकूंगा, याद रखना कि अगर आप झुकते नहीं है तो आप सीधे होकर, आप सारा दिन परमेश्वर के सामने नहीं झुकना सीखा, जब सुबह उठकर शाम को नहीं सीखा तो परमेश्वर आपके सामने लोगों को कैसे झुका देगा? आप जाएंगे, एक बच्चा भी आपसे बुद्धिमान होगा, एक बूढ़ा भी आपसे ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन कह रहे अगर आपने प्रार्थना में झुकना सीख लिया तो उन लोगों से बोल रहा हूँ जितनी हरी पीली लाल चुन्नी वाली पिंक चुन्नी वाली यहाँ पर बैठी हैं, आप करोड़पति होंगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना, ये अभिषेक है परमेश्वर का। कह रहा है लेकिन आपको झुकना है। कह रहा परमेश्वर के सामने, इंसान के सामने नहीं कह रहा हूँ। अगर आज आप झुकना सीख गए, आज रात मेरा ही कल होगा यीशु मसीह के नाम में। दानियल की प्रार्थना पर अटैक किया, 6:13 में हम पढ़ते हैं कि देखो दानियल की तरक्की होने लगी। दानियल 3 times प्रार्थना करता, घुटने टेकता, उसकी तरक्की पर तरक्की, तरक्की पर तरक्की, लगातार 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 उसकी तरक्की हो रही थी और शैतान के लोग उससे जलने लगे। हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब उन्होंने राजा से कहा यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, जो दानियल है यहूदियों में से, उसने हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह 3 days 3 times विनती किया करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है? कह रहा है देख ले, कह रहा है ये दिन में 3 times, कितनी बार? 3 times। 3 times कह रहा है दिन में, कितनी बार? 3 times। 3 times कह रहा है कि ये प्रार्थना किया करता है, राजा ये तेरी बात नहीं मानता, इसको शेर की मांद में डालने का हुक्म दे, इसको मार दे। और उसी समय हो सकता था कि दानियल निराश होकर डर कर करे के प्रार्थना करना बंद कर देता, लेकिन उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। उसने कहा मैं तुझे शेर की मांद में डाल दूंगा, बोलता है करके डाल दे। लेकिन आज स्पिरिचुअल लोग क्या करते हैं? स्पिरिचुअल लोग जब बड़ी परेशानी को देखते हैं तो वो प्रार्थना बंद कर देते हैं और शैतान उन बीमारियों का मुंह खोलना शुरू कर देता है। मैं कह रहा हूँ कि कर्जे का मुंह खोलना शुरू कर देता है। आप कह रहे हैं कि अपनी परिस्थितियों में, कह रहे हैं कि यहाँ पर दानियल ने परमेश्वर को अपनी मजबूरियाँ नहीं बताई, दानियल ने हर चुनौतियों को लेना सीखा। अगर आप चुनौतियों को लेना सीखते हैं तो याद रखना परमेश्वर कह रहे कि हर बीमारी का मुंह बंद करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर शैतानी ताकत का मुंह बंद करेगा। आमीन। जो आपको तंग कर रही है मैं कह रहा हूँ आज उसके मुंह बंद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ वो विचारों के मुंह बंद हो जाएं। आमीन। वो शैतान के मुंह बंद हो जाएं जो हालेलुया बोल रहे हैं आज। हालेलुया। आज आपको फैसला लेना है। कह रहा दानियल ने अपनी लाइफ में क्या किया? दानियल हो सकता था वहां प्रार्थना करने के लिए ना जाता, लेकिन दानियल अपने कमरे में उस दिन भी प्रार्थना करता रहा जिस दिन उसको ये पता लगा मौत की घंटी बजने वाली है। उस दिन भी प्रार्थना करता रहा और उसके फेस को आप देखोगे कि वो चमक रहा था। हालेलुया। उसके फेस पर कह रहा थोड़ी सी भी झिझक से नींद थी कि राजा आएगा और क्या होगा हमारे साथ, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था और उसे शेर की मांद में डाल दिया गया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि वहां पर पहले से तैयारी होती है। कुछ लोग प्रार्थना जब करते हैं जब मौत सामने खड़ी होती है। बच्चे आजकल पेपर में तैयारी जब करते हैं जब एग्जाम सिर पर आ जाते हैं कि नहीं, इसका मतलब कह रहा है कि तैयारी। बाइबल बोलती है जो चेला पहले से तैयार नहीं रहेगा मार खाएगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना उस टाइम करते हैं। दानियल ने कोई प्रार्थना नहीं किया, मैं कह रहा हूँ 1 second की प्रार्थना किया होगा उसने। हालेलुया। दानियल जब शेर की मांद में गिराया गया तो उसकी लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं थी, उसकी लंबी चौड़ी प्रार्थना, उसकी घंटों घंटों की प्रार्थना, उसकी 3 times की प्रार्थना वो पहले की थी। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब समझे कि प्रार्थना करने के बाद कह रहा है जब वो मुसीबत में गिरा तो उसी समय परमेश्वर उसको बचाने के लिए आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो पहले से प्रार्थना करने वाला योद्धा था। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने समय के लिए पहले से प्रार्थना कर रहा था। बहुत सारे लोग, अगर आप तुम पहले से प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, अगर कोई मुसीबत आपके सामने आई, याद रखना मैं कह रहा हूं मुसीबत से पहले परमेश्वर आपके सामने कर एंजल को भेजकर आपको निकालने के लिए खड़ा होगा। आमीन। आमीन बोलने वालों को बाहर निकालेगा। हालेलुया बोलने वालों को बाहर निकालेगा। कर आपको तैयारी करनी है, तैयारी का साल है चर्च, ये 2024 तैयारी का साल है, याद रखना आने वाला तैयारी का साल है, क्योंकि उसमें ठा बूम बिल्डिंग
कह रही आमीन, लोगों के घर पे बम गिरा रही है। मैं तो लोगों के घर पे बम गिरा रहा हूं, तू ऊपर से आमीन बोल रही है। सुन रहे अपने पड़ोसी को बोलो पैर नहीं घुटनों पे आ जा, पैरों पर नहीं घुटनों पर आना। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। समझ गए कि नहीं? चाहे तुम्हें पैरों पर नहीं घुटनों पर आना, बोलो हालेलुया, हालेलुया। चर्च के गेट तक पैरों पर आना, आगे करे घुटनों पर आना। अपने घर पर जाकर आज यहाँ पर पैरों पर आए हो, लेकिन घर पर जाकर आपको पैरों पर नहीं घुटनों पर बैठना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप झुके, मैं कह रहा हूँ हर मुसीबत आपके सामने झुकेगी। आमीन। कर्जा झुकेगा, बीमारियां झुकेंगी, समस्याएं झुकेंगी। आमीन। आपने जो सपने सजोए अपने दिमाग में, अपने फ्रेम में, आप उसे पूरा होते देखेंगे। आमीन। आपको बिलीव करना है, आज से फैसला लेना है। मैं प्रार्थना के लेवल पे चाहता हूँ कि मेरी कलीसिया प्रार्थना करने वाली हो। अगर आज से आप प्रार्थना खुद करने लगे, आज के बाद कोई माइक का लाल आपका मुकाबला नहीं कर सकता, याद रखना। मैं कह रहा हूँ जी, मैंने क्या कहा था, हंसकर कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। आमीन। याद रखना, परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहा है, आपको आशीष देने के लिए जा रहा है, आपकी जिंदगियों में वो चमत्कार होने के लिए जा रहा है। आमीन। ध्यान से सुनते हैं, देखो करा पुराने नियम के अंदर, जब ये बाइबल पुराने नियम में खत्म हो जाती है, उसके बाद एक पन्ना बचता है, आधा पन्ना बचता है मलाकी की पुस्तक के बाद, उसके बाद एक नया नियम निकलता है। सब देखो, लास्ट पुस्तक में पुराने नियम के बाद करा नया नियम आता है। उसका मतलब कि आधा पेज जो खाली है, खाली उसमें क्या होता है, उसमें ये देखो, दिखाओ एक पेज खाली, देखो देख रहे हो, कितने लोग देख रहे हैं बाइबल में, कुछ नहीं लिखा आगे, हाँ अगले चला गए, चला गए, साड़ी बाइबल से कुछ नहीं लिखा, एक पेज खाली है, आगे लिखा नया नियम। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। पता क्या है, ये परमेश्वर ने इंसानों से 400 साल बात करना बंद कर दिया। कितने साल, बाइबल बताती है 400 साल पुराने नियम के बाद 400 साल बात करना बंद कर दिया। और उसके बाद कह रहे कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की इंतजार कर रहे थे, इंसानों से ड्रीम में भी बात करना बंद कर दिया, दर्शन देना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो अलग अलग पापों में उतर आए थे, इसलिए परमेश्वर ने उनसे बात करना बंद कर दिया। फिर एक नया नियम लिखा गया। पढ़ते लूका की किताब 1:13 में चलते हैं, कह रहे जकरिया और इलीशिबा नाम का एक कपल, एक जोड़ा जो मंदिर में सेवा करता था, और उसके साथ क्या हुआ, कह रहे कि जब उनको पता लगा 2-3 साल हो गए, तो उसी समय उनको बच्चा नहीं हुआ, तो उन्होंने घुटनों पर आ गए और दे प्रार्थना, दे प्रार्थना, दे प्रार्थना, दे प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना, प्रार्थना पर प्रार्थना करने लगे, और उसी समय हैरान हो गए कि इतनी प्रार्थना। लेकिन आप सुन रहे हैं कि उसकी प्रार्थना का उत्तर कब मिला, जब शादी हुई 3 साल में नहीं मिला, 4 साल में नहीं मिला। यहां पर लिखा कह रहा है कि बूढ़े हो गए, तब उनके पास एक स्वर्गदूत आया, और स्वर्गदूत ने आकर कहा, कह रहा है जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, हालेलुया। लेकिन इतने साल के बाद क्यों, कह रहा है कि ये, कह रहा है इस कपल ने मजबूर कर दिया परमेश्वर को बात करने के लिए, ड्रीम देने के लिए, इनकी प्रार्थनाओं ने मजबूर कर दिया परमेश्वर को, इनकी प्रार्थनाओं ने, कह रहा है इस बुजुर्ग की प्रार्थनाओं ने, कह रहा है कि इसने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक दुआएं की, अरे तू नहीं देगा, तू बात नहीं करेगा, ड्रीम नहीं देगा, करा सपना नहीं दिखाएगा, दर्शन नहीं देगा। 4 साल से जो रूखा था परमेश्वर, रूठा हुआ था, जो सूखी हुई थी आशीष सबकी, जो सूख गया था सपना लोगों का परमेश्वर से बात करने का, इस कपल ने इतनी प्रार्थनाएं की और करे कि वो सूखा हटा दिया, परमेश्वर बात करने लगा। आमीन। पहले एंजल आया, उसने कहा सुन, कह रहे कि मेरे पीछे, कह रहे कि तेरे घर में एक नबी आएगा, उसका नाम यूहन्ना होगा, और कह रहे उसके पीछे खुद पूरी दुनिया को रचने वाला आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा तेरी प्रार्थना के कारण हुआ ये, सुन रहे कि नहीं, कह रहा इसका मतलब इसने इतिहास बदल दिया, इसकी प्रार्थनाओं ने इतिहास बदल दिया। आज याद रखना, मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कह रहा कि आज आपका इतिहास बदलना जा रहा हो, लेकिन आपकी छोटी सी प्रार्थना से इतिहास बदला जाएगा। लेकिन अगर आज हो सकता है परिस्थितियां चेंज नहीं हो रही हो, आप बार बार कह रहे हो परमेश्वर अब तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इस कपल से सीखो, जकरिया और एलीशिबा से सीखो, कि इन्होंने 1 दिन नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, इसने बुढ़ापे में भी प्रार्थना करना बंद नहीं किया, और स्वर्गदूत आया और उसने कहा करे कि जा, करे तुझे बच्चा होगा
और वो नबी होगा और वो मेरे बाद आएगा। इसी उसके और उसके बाद करा पूरी दुनिया को रचने वाला खुद आएगा। आमीन। उसका नाम यीशु होगा। आमीन। जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा, छुटकारा कराएगा। किसने हटा दिया वो सूखा, किसने हटा दिया वो डिफरेंस, मैं कह रहा हूँ किसने हटा दिया, उसकी प्रार्थना ने हटा दिया। याद रखना, आपकी प्रार्थना में अगर दम है, मैं कह रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा वो कर्जे का जो धन का सूखा आपके घर में पड़ा है, कह रहा चंगाई का सूखा जो पड़ा है, बिजनेस नहीं खुल रहा, फैक्ट्री नहीं खुल रही, मैं कह रहा हूँ वो सूखा हट जाएगा आज। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए। आमीन। सूखा हटाना है कि नहीं चर्च? यस। ये भविष्यवाणी है, 52 डेज में आप बड़े से बड़ी गवाही सुनोगे चर्च। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं फैसला लेता हूं आज, कि मैं इसी समय परमेश्वर फैसला ले रहा हूं आज, मैं डेली तेरे सामने प्रार्थना करके घुटने टेकूंगा और विश्वास करता हूं तो मेरी जिंदगी में काम करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लूका की किताब 18:1 में लिखा, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं कह रहा था परमेश्वर ये आम सा वचन है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे समझाया और कहा प्रार्थना करते रहना और हिम्मत ना हारना। यस। सुन रहे मेरी बात? इसका मतलब ये था कि प्रार्थना करना और हिम्मत ना हारना, इसका मतलब कह रहा है आस ना छोड़ देना कि परमेश्वर मेरे बच्चे की पीआर नहीं लेकर आएगा, आस ना छोड़ देना मेरे बेटी को हीलिंग नहीं मिलेगी, मेरे बेटे को हीलिंग नहीं मिलेगी, मैं चंगा नहीं होऊंगा, आस ना छोड़ देना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं एक पास्टर को जानता हूं फॉरेन में और उसके बारे में बता रहा हूं, अगर मैं उसका नाम भी लूं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उस पास्टर की मम्मी को कैंसर हो गया यूएसए में, और जब उसको कैंसर हुआ, वो एक फॉरेनर है, उसको जब कैंसर हुआ तो उसने अपने शीशे में देखा अपना मुंह, उसकी माँ ने, तो उसी समय उसकी माँ बार बार देख देख कर बार बार निराश होगी, और उसी समय उसने अपने माइंड में एक फ्रेम बन गया उसके माइंड में कि मैं ठीक नहीं हो सकती और मैं मर जाऊंगी थोड़े दिन में, कैंसर है। वो बार बार अपनी शक्ल देखती, उसका वजन सूखता रहता, तो बार बार अपने गालों को देखती, दबा दबा के पिचक रहे हैं, आंखें ढीले अंदर जा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, बार बार निराश हो रही, बार बार, और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। थोड़ी देर में उसका लड़का पास्टर जब घर पे आया तो उसने देखा क्या हो रहा है, उसने क्या किया, जो उसकी अच्छी अच्छी फोटो में थी, 18 साल वाली, फिर 22 साल वाली, 40 साल वाली अच्छी अच्छी फोटो में, उसने अच्छी अच्छी फोटो में सारे कमरे में चिपका दी, सारे बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, सारी जगह ऊपर नीचे हॉल में छत में भी। उसके लड़के ने कहा मैंने लाखों रुपया खर्च करके ये इतना सुंदर आलीशाल घर बनाया और माँ तूने इस पेंटिंग का कबाड़ा कर दिया, ये क्या किया तूने, सारे घर में फोटो में अच्छी अच्छी फोटो में लगा दी। कहती कि मैं जब भी शीशा देखती हूँ, कहती मेरी माइंड में एक फ्रेम बन जाता है कि मैं मरने वाली हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। तो उस औरत ने क्या किया, कहती जब मैं इन फोटोओं को देखती हूँ तो मेरे माइंड में मैं एक नया पिक्चर बना रही हूँ, माइंड में एक नया फ्रेम बना रही हूँ कि मैं जवान हूँ, जवान ही रहूंगी, मैं चंगी हूँ, मैं चंगी रहूंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ रहूंगी। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि उसके लड़के ने और उसने प्रार्थनाएं की। मैं कह रहा हूं बहुत प्रार्थनाएं करते हैं आप, लेकिन बहुत बार प्रार्थना करने के अंदर ही आपके माइंड में ये चल रहा होता है कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता। आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। अग्गे नहीं मैनू आंदी। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर लेट हो रहे हैं, ओके माफ करना, दूर से ही चर्च में आएंगे, पति डांट रहा होगा, प्रार्थना करें सत्संग के मालिक पास्टर पहली बार आए हैं, क्षमा करना, जा रहे हैं दूर से ही धोख मार के जा रहे हैं आपको क्या कह रहा हूं, प्रार्थनाएं अलग अलग तरीके से करते हैं लोग, लेकिन यहां पर ये कह रही कि प्रार्थनाएं परमेश्वर आप घंटों करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, कर्जा नहीं उतार सकता कोई माइकल लाल, यीशु आपकी तरफ देखने भी वाला नहीं है, लेकिन आपकी प्रार्थना में जब पॉजिटिव एनर्जी होगी, हालेलुया। कह रहे हैं कि आप रो रहे हैं, एक टाइम शुरुआत कर रहे हैं, आप प्रार्थना में रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं,
लेकिन उसके बाद कराए कि आपको परमेश्वर को बताना है कि प्रार्थना करने के बाद और शैतान को हराना है कि मुझे एक नई पावर मिल गई है। हालेलुया, समझ में आया कि नहीं। इस औरत ने घंटों घंटों प्रार्थना किया, रोई कमरे में, और उसके बाद जब बाहर निकलती तो कमरे में जाती, अपनी फोटो को देखकर बोलती, मैं जवान हो गई हूँ, मैं बिल्कुल चंगी हो गई हूँ, मैं ऐसी थी, देख ले बेटे, बेटे देख मैं 40 साल में ऐसी थी, अब भी ऐसी रहूंगी। उसने अपने माइंड में सेट करना शुरू कर दिया। आज हमारा माइंड में सेट है, जितनी मर्जी इनकी प्रार्थना कर दो, खड़ी होइयो, खड़ी होइयो बब्बो, भेणे खड़ी, यदि मैं सिर का दर्द जाए, जा जा, इसका सिर का दर्द चला गया, इसके माइंड में अभी भी यही है, कमर का दर्द तो गया नहीं, कमर का दर्द जा जा, कमर का दर्द तो चला गया, हाथ का दर्द तो गया नहीं, आगे को आ जा, हाथ का दर्द जा जा, जैसे पटाखे चल रहे ठा ठा, सुनो अभी सुनेंगे, हाँ हाँ रात को सुनेंगे, टांगों में दर्द ठा ठा, ओ सॉरी, जा जा, हालेलुया, समझ में आ रहा है कि नहीं। वो कानों में सुन रहे हैं ना रात से, इसलिए आवाजें आ रही हैं। इसको कहा जा जा ठीक हो जा, लेकिन अगली को प्रार्थना में विश्वास ही नहीं है। इसके फ्रेम यही लगा हुआ कि ना ना पादरी जब स्टेज पे बुलाता है तब चंगे होते हैं, या फिर कोई स्पेशल रूम है उसमें जाके चंगे होते हैं। इसके फ्रेम लग रहा दिमाग में कि ऑयल लगेगा तब चंगे होंगे, पादरी अपने पास बैठाएगा, उसके कोट को छूंगी तब चंगा होएगा। मैं कह रहा हूँ यहीं से कह दे यार चंगा हो जाएगा, आमीन। सारे ऐसे करो, अपने पड़ोसी को बोलो फ्रेम बदल ले अपना, अपना माइंड सेट करा आज, अपने माइंड का फ्रेम सेट करा आज, बोलो अपने माइंड का फ्रेम सेट करा आज, सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे कि नहीं। अब एक अंकल आंटी बैठ कर वहां मुझे फ्लाइंग किस दे रहे हैं, उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया, सही कह रहा है, कहता लव यू, सारे बोलो हालेलुया। आपको क्या बोल रहा हूं, अपने माइंड को सेट करना, मेरे प्रेम को है, मैं कह रहा हूं तुझे बच्चा हो जाएगा, पापा केड़े में नहीं होएगा, जा तू मां बनने वाली है, पापा मेरे पति ते शुक्राणु नहीं हैगे, मैंने कहा जा तू मां बनेगी, मेरा पति मेरे ना लड़ता बहुत है, जा तू मां बनेगी, पापा वो तो विदेश रहता कितना बनेगी। हालेलुया, ऐसी प्रार्थनाएं भी फेल हो जाती है भाई साहब कई बार, बह जा, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मेरी भविष्यवाणी कोई झूठी कर रही है। एक औरत को मैंने कहा ले तू मां बन रही है, अगले साल तेरे को आशीष मिलेगी, करीब वो 4 साल के लिए अमेरिका गया है। मैंने कहा अच्छा, और क्या हुआ, 6 महीने के अंदर वो अमेरिका पहुंच गई और वहां से फोन कर रही है, हेलो पादरी को कह देना, हालेलुया, क्या कह देना, हरियाणा की है ना भाई साहब, पंजाब नहीं घूंघट करती, हरियाणा की है, दस दियो मां बन गई मैं, दस दियो नू। लेकिन आपको समझ में आ रहा है, कह रहे प्रार्थना में जब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी। उस औरत ने यही किया, उसने कहा, सुबेदार ने यही कहा, भविष्यता नबी यीशु मसीह तूने कह दिया, मैंने मान लिया, तू यहीं से कह दे, मैंने माइंड में फिट कर लिया आज कि मैंने अपना फ्रेम सेट कर लिया आज। आमीन। अपने पड़ोसी को बोला अपना फ्रेम सेट कर लिया आज, अच्छी बात के लिए, दूसरी बात के लिए नहीं, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपने क्या माइंड में सेट कर रखा है मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपको माइंड में ये सेट करना है, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, पथरी नहीं है, रसोली नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, थायराइड नहीं है, लेकिन एक आदमी सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रोफेट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके, और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।